अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 960 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगे सभी सीमाओं को सील कर दिया। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के नए 72 मामले सामने आए हैं। दसुआ प्रशासन द्वारा मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार शर्मा एवं नायब तहसीलदार दसुहा निर्मल सिंह के नेतृत्व में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हेतु दो बसों में 50 प्रवासी श्रमिकों को सिविल रेस्ट हाउस दसुहा से गुरदासपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए रवाना किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे फिलहाल सितंबर 2020 तक G7 सम्मेलन को टाल रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शामिल होने के लिए भारत सहित अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 76 नए मामले सामने आए हैं। एक की मौत हो चुकी है, इसके साथ ही 33 ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इसके चलते चंडीगढ़ की बापूधाम कॉलोनी में कोरोना वायरस के दो अन्य मरीजों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कल तेज आंधी तूफान और बारिश से ताजमहल के मुख्य मकबरे की रेलिंग टूट गई, पेड़ उखड़ने लगे, कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,380 नए मामले भारत में सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली कैंट इलाके में स्थित आर्मी कैंटीन में आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है।